प्रभु के नाम की महिमा हो। एक योहन्ना का किताब 5:19 को आज हम मनन करेंगे। हम जानते हैं कि हम परमेश्वर के हैं और सारे संसार उस दुष्ट के वश में पड़ा है। हम जानते हैं कि हम परमेश्वर से हैं, हम परमेश्वर से उत्पन्न हुए हैं, हम परमेश्वर से जन्म हुए हैं, परमेश्वर की आत्मा के द्वारा वचन के द्वारा हम जन्म हो गए हैं और सारे संसार उस दुष्ट के वश में पड़ा है। तो इस दुनिया में दो भाग करके इस वचन बताता है। एक है परमेश्वर से जन्म हुआ एक व्यक्ति है और दूसरा बाकी सब लोग है। बाकी सब लोगों की हकीकत, उनकी रियलिटी, उनका जीवन की सचमुच बात क्या है, वो लोग दुष्ट के वश में है, मतलब शैतान की पॉकेट में है वो लोग, वो उनको लेकर घुमाएगा, उनको सताएगा, उनको गलत रास्ता में भटकाएगा। इसका मतलब क्या है, हम उसके वश में नहीं है। जो परमेश्वर से जन्म हुए हैं, कोई भी इंसान क्यों न हो, छोटा भी हो बड़ा हो, वो दुष्ट के वश में नहीं है, परमेश्वर से जन्मा है, परमेश्वर से जन्मा है, परमेश्वर का बच्चे है और कहते हैं हम परमेश्वर के संतान है। और लिख रहे हैं जो परमेश्वर से जन्म हुआ है, अठारह वचन में लिखे जो परमेश्वर से जन्म हुए है, नहीं 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 हम देख रहे हैं, देखो इस वचन पढ़े, अठारह वचन पढ़ो। देवनाल प्रदेवन पाव सहियान अधिकारी करो, देवनाल प्रदेवन तन्ने काकिरा पुल्लागन अभी तोड़ा। लिख रहे हैं हम जानते हैं जो कोई भी परमेश्वर से उत्पन्न हुआ वह पाप नहीं करता, देवनाल प्रदेवन यवन पाव सहियान अधिकारी करो, पर जो परमेश्वर से उत्पन्न हुआ देवनाल प्रदेवन उसे वह बचाए रखता है और वह दुष्ट उसे छूने नहीं पाता। मतलब जो परमेश्वर से उत्पन्न हुए हैं उसे वह बचाए रखता है। तो यहाँ हिंदी में लिखा है परमेश्वर उसको बचा के रखता है और तमिल में हम पढ़ रहे हैं वो अपने आप को बचाता है। वो दोनों सही बात होती है। तो कोई ट्रांसलेशन ऐसा कहते हैं, कोई ट्रांसलेशन ऐसा कहता है। परमेश्वर हमें बचाएंगे, दुष्ट के हाथों से छुड़ाएंगे और हमको ज्ञान बुद्धि देंगे कि हम उससे बच के रहने के लिए हमको सिखाते हैं,
அந்த பொல்லாமை இடத்திலிருந்து அவன் எப்படி தப்பித்துக் கொள்வதுன்னு வழியை காட்டுகிறான். ஓ அமுக்கச்சூனே நஹீ பாயேகா, சாத்தான் நம்மை தொட முடியாது, ஹம் உஸ்கே வஷ் மே நஹீ ஹை, ஏனென்றால் அவனுடைய பிடியிலே நாம் இல்லை, ஹம் பரமேஸ்வர் சே ஜன்மா ஹை, நாம் தேவனால் பிறந்தவர்களாய் இருக்கிறோம், ஹம் பரமேஸ்வர் சே ஹை, நாம் தேவனால் உண்டாயிருக்கிறோம், இஸ்லியே சைத்தான் நம்மை சூனே நஹீ பாயேகா, பிசாசு நம்மை தொட முடியாது, ஹம் துஷ்ட கே வஷ் மே நஹீ ஹை, நாம் பிசாசுடைய பிடியிலே நாம் இல்லை, ஹம் பரமேஸ்வர் சே ஜன்மா ஹை, நாம் தேவனால் பிறந்தவர்களாய் இருக்கிறோம். तो यही हमारे लिए आज एक बड़ा रहस्य की बात है। इस दुनिया की आत्मिक शारीरिक आंखों से इस चीज को नहीं समझ पाते हैं। हम भले दुनिया की नजरियों में छोटा दिखते होंगे, लेकिन आज आपके लिए बहुत बड़ी सौभाग्य है। शैतान तुम्हें छूने नहीं पाएगा, तुम शैतान के वश में नहीं है। बोले मैं परमेश्वर से जन्मा हूँ, शैतान मुझे छूने नहीं पाता, मैं शैतान के वश में नहीं हूँ, मैं परमेश्वर से जन्मा हूँ, शैतान मुझे छूने नहीं पाता, मैं शैतान के वश में नहीं हूँ। தமிழ சொல்லுங்க. நான் தேவனால் பிறந்தவன், நான் தேவனால் பிறந்தவன், தேவன் பொல்லாங்க பொல்லாங்க நினைத்தொடான், ஏனென்றால் நான் பொல்லாங்கனுடைய பிடியிலே இல்லை. சொல்லுது தமிழ்ல சொல்றது கஷ்டமா இருக்கு நமக்கு. இந்தி மேம் கசானிசை ஆச்சாத்து தமிழ் மேமே நான் ஆத்தே சொல்ல அச்சா தமிழ் வாழத்தோட இந்தி சீக்கிரம் हाँ, ताकि हमको तमिल में बोलने का तकलीफ ना रहे। अभी कभी हम लोग को तमिल में बोलने का तकलीफ हो रहा है, हाँ हिंदी में बोलते बोलते तमिल हिंदी தெரியாதவர்கள் தயவு செய்து நம்ம இந்த வட இந்தியாவில் இருக்கிறவர்களாக இந்திய நல்லதாக படிப்பதற்கு முயற்சி செய்து நமக்கு அப்படியே பேசி பேசி நம்முடைய சொந்த பாஷையை சொல்வது கடினமாக அப்படி இருக்க வேண்டிய நாட்கள் வர வேண்டும். மேலே பீச்சே போடலாம். நீங்களும் சொல்லணுமா? தமிழ் ஹிந்தி தெரியலன்னாலும் சொல்லணும், சங்கீதா சொல்லணும். பாப்பா நான் வாய் அசைதா, ஆ அவனை கொஞ்சம் பார்த்துக்கு நான் வேற அங்கே போயிட்டு. தோ அம் பரமேஸ்வர் சே ஜன்மா ஹை, இஸ்லியே ஷைத்தான் அமை சூனே நை பாத்தா, ஹம் துஷ்ட கே வஷ் மே நஹீ ஹை. समझ आ गया आज का संदेश खत्म। मेन चीज ये अंदर घुस गया था, सब मेन आपका खाना मिल गए हैं। இந்த காரியோடு உள்ளத்திலே பதிந்துட்டதென்றால் இந்த செய்தி ஆல்மோஸ்ட் முடிந்து விட்டதென்றால் शैतान के वश में हम नहीं है, நாம் பிசாசுடைய பிடியிலே இல்லை, और इतना भी नहीं, वो हमें चुने भी नहीं सकता। அது மட்டும் இல்ல, அவன் நம்மை தொட கூட முடியாது, क्योंकि हम यीशु के पॉकेट में, उसका हिम्मत है कि यीशु के पॉकेट को चुरा कर हम उनको छू सकते हैं। சாத்தானை பொறுநாளும் தைரிய வரவே வராது, நித்திய நித்தியமாக இயேசு கிறிஸ்துவை பாக்கெட்டுக்குள்ள கைவிட்டு அதிலிருந்து பிக் பாக்கெட் அடிப்பதற்கு. क्या पुलिस के पॉकेट से चोर चुरा पाएगा? पुलिस के पॉकेट से पिक पॉकेट अटक முடியுமா? शायद दुनिया में हो सकता है, लेकिन हमारा प्रभु के पॉकेट से शैतान हमें चुरा नहीं पाया। உலகத்திலே அது நடக்கலாம், ஆனால் நம்முடைய தேவனுடைய கையில் நம்ம யாரும் பிரிக்க முடியாது. சைத்தானம் இச்சுனே நீ சக்தா, நம்மை அவன் திருடவே முடியாது. லிக்ரேம் பரமேஸ்வர் சே ஜன்மா ஹை, நாம் தேவனால் பிறந்தவர்கள், ஜோ பரமேஸ்வர் சே ஜன்மா ஹை, தேவனால் பிறந்தவன் பாப் நை கர்த்தா, பாவம் செய்ய மாட்டான், பாப் நை கர்த்தா, பாவம் செய்ய மாட்டான். बोले பாப் நை கர்த்தா, பாப் நை கர்த்தா, மேரே ஊபர் லிகா ஹை, மேரே நசீப் ஹை, நான் பாப் நை கர்த்தா, பாப் நை கர்த்தா. कुछ लोग बोले उसका सर पर लिखा है, मेरे सर पर लिखा है, मैं परमेश्वर से जन्मा हूँ, मैं पाप नहीं करता। ये क्यों ना 5:18-19 दो ही वचन अभी तक चल रहा है।
நாம் சொல்லிக் கொண்டிருக்கிறோம். லெகன் பவித்ர ஆத்மா आपको समझा रहा है. பரிசுத்த ஆவியானவர் உங்களுக்கு விளக்கி கொண்டிருக்கிறார். जो परमेश्वर से जन्मा है. யார் தேவனால் பிறந்திருக்கிறார்களோ वो पाप नहीं करता. அவர் பாவம் செய்ய மாட்டார். दुष्टों से छूने नहीं पाता. दुष्ट பொல்லாமை அவர்களை தொட முடியாது. और हम दुष्ट के वश में नहीं है. लेकिन दुनिया वाला के बारे में वो लोग परमेश्वर से जन्मा नहीं है, वो पाप करने बगैर और रह नहीं पाते. वो लोग दुष्ट उसको छूता रहेगा, वो दुनिया जो संसार में सभी लोग दुष्ट के वश में पड़ा रहेंगे. इवन क्रिस्ती भी हो सकता, अगर नया जन्म नहीं पाए वो भी दुष्ट के वश में ही पड़ा रहे. जो वो लोग पाप करेंगे, पाप का स्वभाव उसमें है, पाप का बीज उसमें है. जो जब छोटा बच्चा जन्म होते हैं तुरंत बच्चे को देखते हैं, देखा इसका पापा का कान है, इसके मम्मी का आंख है, पापा का नाक है, हाँ पापा का बाल है, वो सब कुछ लोग देखते रहते हैं. क्योंकि माँ बाप के लिए जन्म हुए हैं, इसलिए मम्मी का भी कुछ भाग है, पापा का भी कुछ भाग है, दोनों मिलाकर एक नया रीति से एक तीसरे एक रूप में वो जन्म हो जाते हैं. लेकिन हम जब परमेश्वर से जन्म होते हैं, परमेश्वर का डीएनए हमारा में आ जाता है, परमेश्वर का बीज हमारा में आ जाता है, वही परमेश्वर का संतान हमें बनाता है. तो परमेश्वर के संतान हम बनने के बाद हमारा जाति अलग है, शैतान के झुंड का जाति अलग है, हम ऊंचे जाति हैं और नरक का नीचे जाति है. आप कौन सा जाति है? मैं तो फॉरवर्ड कास्ट हूँ, मैं तो स्वर्गीय कास्ट हूँ, मैं तो ऊंचे जाति हूँ, मैं स्वर्गीय जाति हूँ, क्योंकि परमेश्वर से जन्मा, मेरे अंदर परमेश्वर का बीज है, मेरे अंदर परमेश्वर का स्वभाव है, मैं पाप नहीं करता. बोलिए, मैं परमेश्वर का संतान हूँ, मैं पाप नहीं करता, मैं परमेश्वर के संतान हूँ, परमेश्वर का बीज मुझ में रहता है, इसलिए मैं पाप कर ही नहीं सकता. अभी एक आपके माता पे मैं लिख के लगा दो स्टिकर जैसे, ओटलामा ना रेडी ஆண்டவரே ஓட்டுங்கப்பா, ஏஞ்சல வச்சு என்ன பண்ணுங்க, எழுதலாமா ஏஞ்சல்கிட்ட எழுத சொல்லாம, கடவுள்கிட்ட லிக்ன के लिए बोलेंगे लिख देंगे. मैं तो बोल रहा हूँ पहले से वचन के अनुसार आपके खाते पे माते पे लिखे हुए है, ये परमेश्वर से जन्मा है, पाप नहीं करता, पाप कर ही नहीं सकता. नाम
நாம் பாவம் செய்ய மாட்டோம், நாம் தேவனால் பிறந்தவர்கள், நாம் பாவம் செய்ய முடியாது. அமர பாரத் வாசியிலோ நசீப் ஹே யா லிக்காவாக உஸ் பர் லோக் பரோசா கர் ரஹே ஹே. நம்முடைய கலாச்சாரத்திலே அநேக தலையெழுத்து என்பதை மிகவும் அதிகமாக நம்புகிறார்கள். ஒவ்வொரு குழந்தை மேலும் அதுக்கு ஒரு தலையெழுத்து இருக்கிறது, கையெழுத்தையும் சாரே தலையெழுத்து கையெழுத்து எல்லா எழுத்து டாக்குமெண்ட் ஜாதகம் அந்த தலையெழுத்து எல்லாம் தலையெழுத்து என்ன நமக்கு விரோதமா எல்லா கையெழுத்து எல்லாத்தையும் சிலுவையில் ஆண்டவர் குலைத்து அவைகளை வெற்றி சிறந்தார். அந்த நம்முடைய பழைய தலையெழுத்து அது அழிந்து விட்டது. அமாராஜோ பத்து ஹே அமாரா நாம் பத்திர ஹே யஹா லிக்கா ஹே உசி கொல்லைக்கு ஹம் யஹா லிக் லேனா சாஹியே. நம்முடைய நம்மை பற்றி எழுதியிருக்கிற இந்த வசனங்களை எடுத்து நம்முடைய தலையெழுத்தாக அதை நாம் எழுதி கொள்ள வேண்டும். ஹம் இஸ் கொல்லைக்கு அப்ளை கரலேனா சாஹியே. தாஜம் விஸ்வாசே லிக்லேங்க. நாம் விஸ்வாசத்தோடு எழுதிக்கலாம், அர்த்தத்தோடு நாம் அதை எழுதிக் கொள்ளும். அமாரலிய லாகு ஹை கி நை, இது நமக்கு பொருந்துமா இல்லையா? மேரலிய லாகு ஹை, எனக்கு இது பொருந்தும், மேன் லிக்னா சாதா ஹூ. அகர் ஆப் லிகே நை லிகே, லேகின் மே தோ லிக்னா சாதா ஹூ. எழுதிக்கிறீங்களோ இல்ல விரும்புகிறீங்களோ அது நான் அது எனக்கு தலையில எழுதி வைக்க விரும்புகிறேன். மே பரமேஸ்வர சே ஜன்மா ஹூ, மே பாப் நை கர்த்தா, மே பாப் கரி நை சக்தா, துஷ்ட முஜே சூ நை பாத்தா, அபி லிகோ நா மே லிக் ரஹா ஹூ, ஆப் லிக் ரஹே ஹே. துஷ்ட முஜே சூ நை பாத்தா, மே துஷ்ட கே வஷ் மே நஹி ஹூ. ஓகே அப்ளை கர் தியா, லிக் தியா பத், ஷைத்தான் தேக்னே தோ, இப்போது பிசாசே பார் பட்டு பாக் ஜாயேகா, கண்டிப்பாக பயந்து ஓடுவான். அம் பரமேஸ்வர சே ஜன்மா தேவ பிள்ளையே, நாம் தேவனா ये क्यों होना तीन में कहता है हम परमेश्वर से जन्मा है। शैतान पहले से पाप किया है, शैतान के कामों को नाश करने के लिए परमेश्वर का पुत्र जन्म हुआ है। जो परमेश्वर से जन्मा है वो पाप नहीं करता, क्योंकि परमेश्वर का बीज उसमें है। और जो कोई परमेश्वर से जन्मा है वो पाप नहीं करता, क्योंकि उसका बीज उसमें बना रहता है, वो पाप कर ही नहीं सकता, क्योंकि वो परमेश्वर से जन्मा है। इसी से परमेश्वर की संतान और शैतान की संतान जाने जाते हैं। तो पता चल जाएंगे इसराइली देश में जो कुछ स्त्री लोग हैं गलत काम करने वाले होते हैं, इसराइल देश सिले स्त्री हैं उन लोगों के लिए एक पद, उसके लिए नाम पत्र, उसका एक चिट मतलब एक चिट्ठी में एक पेपर में लिखा रहता है, ये व्यभिचारी है, उसका यहाँ माथे पे लिखा रहेगा। क्यों ऐसा लिखते हैं? रेवलेशन किताब में भी देखो, वहाँ पर एक स्त्री की बात हो रही, उसके ऊपर वैसे लिखा रहता है। பாபிலோன் வேசிகளுக்கு தாய் அருவறுப்பான எல்லாத்துக்கும் அவதானது தாய் அவ மேல அங்க எழுதி வச்சிருக்கோம். ஜோ இஸ்ராயல் தேசக்கு அந்த ஐசா லிக்கா ராதா, இஸ்ராயல்
ஒரு வழக்கம் இருக்குது. விபச்சார தொழிலை செய்கிற ஸ்திரீகளுக்கு மேலாக அவர் விபச்சாரிகள் சொல்லி ஒரு அடையாளமாக அதை அவர்கள் எழுதி வைத்திருப்பார். தாக்கி அச்சே லோக் ஜோ ஹை ஜோ அச்சே பரிவாரிக் ஜீவன் பி தா ரஹே இதர் உதர் அல்து ஃபால்து மே நஹி ஜாயேங்கே வோ லோக் ஐசே ஸ்திரீ சே பச் கே ரஹ ஜாயேங்கே. நல்லவர்கள் நல்ல ஒரு குடும்ப வாழ்க்கையிலே நல்ல கணவன் மனைவியால் நன்றாக வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறவர்கள் அப்படிப்பட்ட ஸ்திரீகள் தூரத்தில் வரும் பொழுது அவர்கள் விலகி போய்விடுவார்கள். லுக் தம் ஜப் ஹம் துனியா மே தே நாம் உலகத்தில் இருக்கும் பொழுது அமாரா ஐசா எக் பத் அமாரோ பர் சிந்தா எக் பத்ரதா கி ஹம் ஷைத்தான் கி வஷ் மே தா. நாம் இப்படிப்பட்டதாக கையெழுத்தை நம்ம எழுதப்பட்டது நாம் பிசாசோடைய பிடியிலே இருந்தோம். ஹம் பாப் கர்த்தே தே நாம் பாவம் செய்து கொண்டே இருந்தோம். பாப் கர்னே பகர் ரஹ நஹி சக்தே தே பாவம் செய்யாமல் நம்மால் இருக்க முடியாமல் ஷைத்தான் ஹமே சூத்தே ரஹதா தா சாத்தான் அப்பப்போ வந்து நம்மை தொட்டு கொண்டே இருந்தான். கேவல் சூத்தானே ஹம் கோ லேகே கேல்தா ரஹதா தா சும்மா பத்தோட நாம் நம்மை வைத்தா ஒரு வேடிக்கை பொருளாக விளையாடி கொண்டிருந்தோம். ஹம் கோ லேகே தூசரோ கோ பீ பிகாட்தே ரஹதா தா நம்மை உபயோகித்து மற்றவருடைய வாழ்க்கையை கெடுத்து கொண்டிருந்தான். ஏ அமாரா பஹலா கஹானி தா இதுதான் நம்முடைய பழைய கதை. ஏ அமாரா பஹலா நா அட்டாக் அமாரா பஹலா நாம் ஹுயி தா நம்முடைய பழைய அட்ரஸ் அதுதான். लेकिन अभी हमारा नया नाम आ गया है. இப்பொழுது தேவ பிள்ளைகளுக்கு நமக்கு ஒரு புதிய நாமம் கொடுக்கப்பட்டது. जब हम परमेश्वर से जन्म होते हैं தேவனால் பிறந்த நாம் हमारा ऊपर परमेश्वर का नाम आ गया है. நமக்கு மேலாக தேவனுடைய நாமம் தரிக்கப்பட்டது. हम परमेश्वर का बेटा बेटी बन गए हैं. தேவனுடைய பிள்ளைகள் என்று நமக்கு நாமம் சூட்டப்பட்டிருக்கிறது. तो परमेश्वर का बेटा बेटी बनने के बाद தேவனுடைய பிள்ளைகளாய் நாம் மாறின பிறகு हमको दूसरा नाम आ गया है. நமக்கு வேறு ஒரு நாமம் கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது. हम यीशु के संतान है. हम परमेश्वर के पुत्र बन गए हैं. बाइबल में तीन जगह में इस बातों को मैं आपको बताना चाहता हूँ. रोमियो का 8:13-14 में हम पढ़ते हैं जो आत्मा के द्वारा जो चलाए जाते हैं वो परमेश्वर की संतान है, वो परमेश्वर का पुत्र है, क्योंकि आत्मा के द्वारा चलाए जाते हैं तो परमेश्वर की संतान है. आत्मा आप ही हमारा आत्मा में गवाही देता है हम परमेश्वर की संतान है. 14:17 हम परमेश्वर के संतान है करके हमें डाउट नहीं आना चाहिए. तो संदेह आते हैं तभी लोग बपतिस्मा नहीं ले पाते हैं. लेकिन जितने परमेश्वर की आत्मा से चलाए जाते हैं वे सब परमेश्वर के पुत्र है. उनके अंदर परमेश्वर निवास करता है. वो आत्मा के द्वारा निवास करके उनके अंदर गवाही देता है. பரிசுத்த ஆவியானவர் மூலமாக திரியேக தெய்வம் அவர்களுக்குள்ளே வாசம் பண்ணுகிறார் என்று ஆவியானவர் நம்முடைய ஆவிக்குள்ளே இருந்து சாட்சி கொடுக்கிறார். ஏ ஆப்கோ ஏ நிச்சய ஆஜ் ஆப்கோ ஹோனா சாஹியே இன்றைக்கு இந்த நிச்சயம் நம்ம எல்லாருக்கும் இருக்க வேண்டும். பவித்ர ஆத்மா கி கவாய் ஆப்கே ஆத்மா மே ஹோனா சாஹியே பரிசுத்த ஆவியானவர் உங்களுடைய இருதயத்தில் இருந்து தேவனுடைய பிள்ளை என்று ஒரு சாட்சி சொல்ல வேண்டும். தோ ஏ கவாய் ஆப்கே அந்தர் ஆயேகா இந்த சாட்சி உங்களுக்கு வரும் பொழுது ஆப்கே லியே ஏ சீஸ் லாகூ கர்னா பஹுத் ஆசான் ரஹேகா இந்த காரியத்தை நீங்கள் உங்களுடைய வாழ்க்கையில் அப்ளை பண்ணுவதற்கு அது மிக எளிதாக இருக்கும். ஹம் அப்னே கோஷிஷ் சே ஹம் பாப் சே நஹி பச் கே ரஹதே ஹம் முயற்சி செய்வதனாலே நாம் பாவத்திலிருந்து விடுதலை அடைந்து வெளியே வர முடியாது. பரமேஸ்வர் நம்மை பாப் சே பச்சாதா ஹை தேவன் நம்மை பாவத்திலிருந்து காக்கிறார். பரமேஸ்வர் நம்மை ஷைத்தான் சே பச்சாதா ஹை தேவன் நம்மை சாத்தானின் கையிலிருந்து காப்பாற்றுகிறார். பரமேஸ்வர் நம்மை துனியா சே பச்சாதா ஹை உலகத்திலிருந்து ஆண்டவர் நம்மை காப்பாற்றுகிறார். பரமேஸ்வர் கா பீஜ ஹமாரே மே ரஹதே ஹுயே தேவனுடைய வித்து நமக்குள்ளே இருக்கிறபடினாலே பரமேஸ்வர் கி ஆத்மா கே துவாரம் சலாயே ஜாதே ஹை தேவனுடைய ஆவியினால் நாம் நடத்தப்படுகிறோம். इसलिए हम परमेश्वर की संतान है. परमेश्वर की संतान होना नहीं होना जमीन स्वर्ग और नरक का फर्क है. तो परमेश्वर की संतान होना ही चाहिए. पत्रस लिख रहा है सत्य के वचन के द्वारा जीवित सदा रहने वाला वचन के द्वारा तुम नया जन्म पाए हो. एक पत्रस पहला अध्याय उसका 23 में लिख रहा 21 से हम पढ़ते हैं
तो लिख रहा है परमेश्वर के जीवित और सदा करने वाले वचन के द्वारा नया जन्म पाया है क्योंकि क्योंकि हर एक प्राणी घास के समान है और उसकी सारी शोभा घास के फूल के समान है घास घास सूख जाती है और फूल जड़ जाता है परंतु प्रभु का वचन सदा युक्त स्थिर रहता है और यही सुसमाचार का वचन है तुम्हें सुनाया गया। देखो आपके पास एक अनमोल चीज दिया गया है, सुसमाचार के वचन बीज आपके दिल में डाला गया। यीशु आपके पापों के लिए मरा, वापस जिंदा हो गया है, उसके लहू से पापों की मुक्ति है, पापों से मुक्ति है। हम परमेश्वर के संतान होने के लिए हमें अधिकार देता है। इस जीवित वचनों को जो आदमी स्वीकार करता है उसके अंदर एक विश्वास शुरू होती है। जब ये विश्वास शुरू होती है वो परमेश्वर के संतान हो जाते हैं। याकूब भी इस बातों को लिख रहा है, याकूब पहला अध्याय 18 वचन में कहता है वो उसने अपनी इच्छा की इच्छा से हमें सत्य के वचन के द्वारा उत्पन्न किया है। ताकि हम उसकी सृष्टि की वे वस्तुओं में से हर एक प्रकार का प्रथम फल हो जाए। परमेश्वर के लिए बहुत सारे बच्चे हैं, बहुत सारे चीजें हैं, कई सारे चीजों को उसने सृष्टि किया है, लेकिन उनके संतान होने के लिए मनुष्य को बनाया है। कौन हमारा बच्चे बन सकते हैं? हमारा घर में जो पेट डॉग हो सकते हैं, पेट कैट हो सकते हैं, वो हमारा संतान नहीं हो सकते है। भले हम उसके साथ खेल सकते हैं, भले हम उसको खाना भी खिला सकते हैं, लेकिन कौन हमारा बेटा बेटी है? हमारा स्वरूप से बनाए जाते हैं, हमारा बीज से बनाए जाते हैं। तो परमेश्वर के बीज से बनाया गया इंसान जो है वही परमेश्वर के लिए प्रथम फल है, वही उनके लिए खास लोग है, उनके साथ वो संबंध रखता है, उनके साथ बातचीत करता है। हम सारे सृष्टियों में हम प्रथम फल है, आपको आप क्या है प्रथम फल है। बाइबल के द्वारा आपके बारे में बताने के लिए, आपके आंखों को खोलने के लिए पवित्र आत्मा मुझे मदद करे। तो आप क्या है परमेश्वर के लिए, क्या है प्रथम फल है? क्या बेट बकरी प्रथम फल है? क्या नहीं है? स्वर्गीय दूध प्रथम फल है क्या? जोर से बोला है कि नहीं? नहीं। और मछली हाँ प्रभु के लिए प्रथम फल है क्या? और आप परमेश्वर के लिए कौन सा फल है? बोले प्रथम फल। हम प्रथम फल, हम प्रथम फल। वो अपनी इच्छा के अनुसार हमें उत्पन्न किया है। पितावाय देव அவருடைய இதயத்தில் ஒரு டிசையர் சித்தம் இருந்தது, அதற்கு ஏற்றபடி அப்படியே வசனத்தினாலே நம்மை
और जेरिपित और पिल्लेगला मारती हूँ। माँ बाप की इच्छा से शारीरिक जन्म हम पाए। नम्रे ताई देव को नम्रे पति नाले नाम पुण्डे गए नम्रे गए। हमारा घर में हम मैं चौथा लड़का था, मेरे घर में फोर्थ मैं था। इनके बीच में नाला तो कहीं ना कहीं एक पहले एक लड़का था और बाद में दो लड़कियां थी। मम्मी पापा ने सोचा हो होगा एक बेटा है चलो उसके साथ खेलने के लिए और एक बेटा चाहिए तो चलो वो लोग प्रार्थना किए प्रभु हमको और एक बेटा दीजिए। तो इसके वजह से शारीरिक संबंध हुआ, उसके वजह से मैं जन्म हो गया। ये चीज हुए 58 वर्ष के पहले, लेकिन 41 वर्ष के पहले मेरा दूसरा जन्म हुआ है। इसमें परमेश्वर की इच्छा काम किया है। उसके पवित्र आत्मा से ये जन्म हुआ है, परमेश्वर का बीज से जन्म हुआ है, सत्य के वचन के द्वारा जीवित वचन सदा रहने वाले अविनाश बीज के द्वारा मैं जन्म पाया हूँ। यही नए सिरे से जन्म यीशु मसीह कहते हैं, आत्मा के द्वारा वचन के द्वारा। यीशु ने कहा जो कोई जल और आत्मा से जन्म नहीं लेंगे, नए सिरे से जन्म नहीं लेंगे, स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। कुछ लोग बोलते हैं जल मतलब बपतिस्मा है, आत्मा मतलब पवित्र आत्मा है, लेकिन उस जगह में आप पढ़ेंगे तो पता चलेंगे जल है प्रभु का वचन को बताता है, आत्मा जो है पवित्र आत्मा को बताता है। पवित्र आत्मा का अभिषेक नहीं मिला इसके लिए तुम परमेश्वर की संतान नहीं है, ऐसा कोई भी आपको बता नहीं सकते। आत्मा के द्वारा वचन के द्वारा आपको परमेश्वर ने नया जीवन दिया है। पहले योहन्ना 5 अध्याय में इस तरफ लिख रहा है, हम पढ़ लेते जिसका यह विश्वास है यीशु ही मसीह है वह परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है। 5:1 कौन है परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है? यीशु ही मसीह है, ऐसा विश्वास करने वाला है वो परमेश्वर से जन्मा। जो परमेश्वर से उत्पन्न होने के लिए क्या विश्वास होना चाहिए? यीशु ही मसीह है, यीशु भी नहीं यीशु ही मसीह है। यीशु वो और उद्धारकर्ता है अल्ल, यीशु वे रक्षक है विश्वास के। तो ऐसा विश्वास आपको परमेश्वर देता है। हम परमेश्वर से जन्मा है, कैसे हम जन्म हुए हैं? हमने विश्वास किया कि यीशु ही मसीह है। जब इस विश्वास हमारा अंदर परमेश्वर ने दिया है, हम संसार पर जय प्राप्त करते हैं, यही हमारा विजय है। यह विश्वास हमको परमेश्वर के संतान बनाते हैं, इसके वजह से हम संसार पर जय प्राप्त करते हैं। अगर आपके अंदर विश्वास है यीशु ही मसीह है,
यीशु परमेश्वर का पुत्र है, अगर ये विश्वास आपके अंदर है, आप परमेश्वर से जन्मा है, आप संसार पर जय प्राप्त करने के लिए आपके अंदर विजय है, विश्वास है तो विजय है। बोलिए विश्वास है तो विजय है, विश्वास है तो विजय है। कौन सा विश्वास है? यीशु ही मसीह है, यीशु ही परमेश्वर का पुत्र है, यीशु ही परमेश्वर का पुत्र है। यह केवल 5:5 में कहता है, संसार पर जय पाने वाला कौन है? यार உலகத்தை எவன் ஜெயிப்பான்? இதுல அஞ்சில கோன் உத்தியான சன்சாருக்கு பேர் ஜெய் பா சக்தி ஹே. யார் உலகத்தை ஜெயிக்கிறவன்? யார்? கேவல் வஹி ஹே ஜிஸ்கா யே விஸ்வாஸ் ஹே ஈஷு பரமேஸ்வர் கா புத்ர ஹே. இயேசுவான தேவனே குமார் என்று விஸ்வாசிக்கிறவனே அன்றி உலகத்தை ஜெயிக்கிறவன் யார்? மத்தலப் கோய் பி சன்சார் பர் ஜெய் நை பா சக்தா. எவ்வளவு பெரிய ஆசை இருந்தாலும் உலகத்தை அவன் ஜெயிக்க முடியாது. கோய் பி துஷ்ட கே உபர் ஜெய் நை பா சக்தா. யாருமே இந்த சாத்தான் மேல ஜெயிக்க कोई भी अपने शरीर के अभिलाषा के ऊपर जय नहीं पा सकता। शरीर इच्छे के लिए इनंदे என்ன மனிதனோ எவ்வளவு பெரிய மனிதனா இருந்தாலும் அவனுடைய சொந்த முயற்சினாலே அவன் அதை ஜெயிக்க முடியாது. लेकिन जब परमेश्वर से हम जन्म होते हैं, हम देवनाल ना परक मुड़ी, हमारे अंदर एक सामर्थ्य मिलता है, वो पुल्ला और वल्लभ में बदल जाते। लेकिन शैतान झूठ बोलता है, सातान हमारे विश्वासी के कोई सुनी मां बोलते नहीं 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 तुम्हारा ये कमजोरी है, तुम कर नहीं पाओगे। तो हमारा निर्बलता को हमको दिखाते रहेगा, लेकिन आज मैं आपके अंदर के सामर्थ्य को मैं बताना चाहता हूँ। आपके अंदर क्या सामर्थ्य है? आपके अंदर परमेश्वर का बीज है, आपके अंदर परमेश्वर का स्वभाव है। बोले आपके अंदर, मेरे अंदर क्या क्या बताते चाहिए, क्या क्या आपके अंदर बताओ। परमेश्वर का बीज, परमेश्वर का आशीष, बस इतना ही। परमेश्वर का सामर्थ्य है, परमेश्वर का विजय है, परमेश्वर का वचन है, और परमेश्वर का जितना भी सब मेरे में। हालेलुया। भाई अगर बड़ा टैंकी से छोटा टैंकी को जोड़ दिए, उसमें जो भी है सब इसमें है। प्रेम चाहिए, तो कहां मिलता है? परमेश्वर से मिलता है। हम बाइबल स्टडी में हम देखे थे, पत्र पौलुस लिख रहा है, हम लोग आपके ऊपर प्रेम किए हैं, तो लोग पढ़ के बोलेंगे, भगवान जैसे दूसरों को प्रेम किया यार। अगर अगर मैं ऐसा बोलूंगा, मैं मसीह के जैसे आप लोग को प्रेम कर रहा हूँ, तुरंत लोगों को प्रॉब्लम हो जाएगा। पौलुस कैसे प्रेम कर पाया है? पौल एपड़ी அந்த தெசலோனிகே சபையை சபையார் நேசித்தார்? उनके अंदर यीशु के द्वारा, இயேசு கிறிஸ்து உள்ளே இருந்தபடியாலே, அந்த இயேசு கிறிஸ்துவின் மூலமாக அவர் அந்த சபையார் நேசித்தார். हम कैसे लोगों को पर प्रेम कर सकते हैं? हमारे अंदर ईश्वर आने के द्वारा,
उनका प्रेम से हम प्रेम कर सकते हैं। बाइबल में इसलिए लिखा है हमारे लिए उदाहरण बनाने के लिए, हमारे लिए नमूना एक एग्जाम्पल है पौलुस का जीवन दिया गया ताकि हम उसके जैसे हम भी करने के लिए उसको भगवान बनाने के लिए वो नहीं लिखा गया। कुछ लोग ऐसा प्रचार कर लेंगे पौल पौल पौल, सब लोग तो सोचेंगे अरे ये नाटा पौल तो है, भले 5 फुट से नाटा है लेकिन हम लोग सब उसके सामने 2 फुट नाटा हो गए हैं, हम उसके समानता में बन ही नहीं सकते, ऐसे लोग सब सोच के बैठ जाएंगे। लेकिन आज मैं आपको ये बात सच्चाई की जानोगे सच्चाई आपके आंखों को खोलेगा, ये सच्चाई ये है। पौलुस भी परमेश्वर की संतान था, பவுலும் தேவனால் பிறந்த தேவ பிள்ளையாய் இருந்தார், யோவான் நபி பரமேஸ்வர் கி சந்தான் தான், யோவான் அப்போஸ்தலரும் தேவனுடைய பிள்ளையாய் இருந்தார், பத்ரஸ் பி பரமேஸ்வர் சி ஜன்மாதா, பேதுருவும் தேவனால் பிறந்தவராய் இருந்தார், யாக்கோப் பி பரமேஸ்வர் சி ஜன்மாதா, யாக்கோபும் தேவனால் பிறந்தவராய் இருந்தார், இஸ்லே ஏ லோக் சப் ஏ பரமேஸ்வர் சி ஜன்மம் ஹோனே கே பாரே மே லிக் தேதே ஹே, ஆயனா தேவனால் பிறக்கிற பிறப்பை பற்றி அவர்கள் நன்றாக எழுதி இருக்கிறார்கள், ஓ லோக் கைசி ஜன்மம் ஹுவே வைசே பி அம்பி பரமேஸ்வர் சி ஜன்மம் ஹுவே, அந்த பெரிய அப்போஸ்தலர் எப்படி தேவனால் பிறந்தாரோ அதே ப்ராசஸ்ல தான் நாமும் தேவனால் பிறந்திருக்கிறோம், ஓய் சு சமாச்சார் கி வச்சன் கோ ஹம் லோக் பி விஸ்வாஸ் கியே, அவர் விஸ்வாஸ்த அதே சுவிசேஷ வார்த்தைகளை தான் நாமும் விஸ்வாசித்தோம், உன்கே அந்தர் காம் கியா பவித்ர ஆத்மா அமர் அந்தர் பி காரிய கர் ரஹா ஹை, அவர் குளாகிரி செய்த பரிசுத்த ஆவியானவர் தான் அதே ஆவியானவர் நமக்குள்ளே இப்பொழுது கிரி செய்து கொண்டிருக்கிறார், உன்கே அந்தர் மசி மகிமா கி ஆஷா ஹோக்கர் ரஹதே தே, ஓஹி மசி அமர் அந்தர் மகிமா கி ஆஷா மே ஹோக்கர் ரஹதே, அவர்களுக்குள்ளாக கிறிஸ்து மகிமை நம்பிக்கையாக வாசம் பண்ணிது போலவே தான் நமக்குள் தேவனுடைய பிள்ளைகளே கிறிஸ்து மகிமை நம்பிக்கையாக வாசம் செய்து கொண்டிருக்கிறார், ஓஹி சன்சார் மே ரானே வாலே ஷைத்தான் சே படா ஹை, அவர்தான் உலகத்திலே உள்ள சாத்தானை விட பெரியவராய் இருக்கிறார், ஓ ஷைத்தான் ஜோ துனியா மே ரஹ ரஹா ஹை உஸ்ஸே கை குணா அமார் அந்தர் பரமேஸ்வர் படா ஹை, உலகத்திலே இருக்கிற சாத்தானிலும் நம்முடைய ஆண்டவர் நமக்குள்ளே காண்டவர் மிகவும் பெரியவராய் இருக்கிறார், ஏகே ஒன்னா சார் சார் மே இஸ் பாத் கோ பதாதே, யோவான் 4:4 யோவான் இந்த காரியத்தை எழுதுகிறார், ஏகே ஒன்னா சார் சார் பண்ணி ஜி யோவான் 4:4 படிக்கிறான், ஏ பாலகோ பரமேஸ்வர் கே ஹோ ஜெய பாயி ஹை, படா ஹை, தேகே ஹம் சன்சார் பர் ஹம் ஜெய பாதே ஹை, நாம் உலகத்தை ஜெயிக்கிறோம் ஔர் சன்சார் கே துஷ்ட கே ஊபர் பி ஜெய பாதே ஹை, துஷ்ட சாத்தானை நாம் ஜெயிக்கிறோம் क्योंकि हमारे अंदर परमेश्वर बड़ा है, वो विश्वास हमारा विजय है, परमेश्वर मेरे अंदर रहता है, मैं परमेश्वर से जन्मा हूँ, इस विश्वास में चलते रहना है, आप बोलेंगे पास्टर जी आप बोल रहे हैं पाप नहीं करता पाप कर ही नहीं सकता, लेकिन मैं गिर गया बीच बीच में हट गया मैं करूं क्या है, लेकिन ये चीज को आप ध्यान करते रहेंगे, हकीकत को देखने बगैर यही चीज को ध्यान करते रहेंगे, यही आपके जीवन में हकीकत बन जाएंगे, अभी क्या देखना भाई, वचन को देखना है हकीकत को देखना है, हकीकत को देखेंगे हकीकत वैसे की वैसे ही रहेगा,
वचन को देखते रहेंगे, वचन आपके हकीकत बन जाएंगे। परमेश्वर एक काम को करने के लिए हमें उत्पन्न किया है, जय पाने के लिए, दुष्ट के ऊपर, शैतान के ऊपर, दुनिया के ऊपर, पापों के ऊपर जय पाने के लिए नया जन्म पाया है, नया जन्म पाया है, वारिस बन गए, यीशु के संग वारिस बन गए, परमेश्वर की आत्मा के द्वारा चलाए जाते हैं, वो हमें अपने वारिस के उस मीरास की तरफ हमें लेके जा रहे हैं। पहले जमाने में, पहले इतिहास में हम देख रहे हैं यहोशू के द्वारा परमेश्वर उनको उस कानान देश की ओर लेके जा रहा था। आज पवित्र आत्मा आपको लेके जा रहे हैं, उसके लिए अपने सेवक लोगों को नियुक्त किया, मुझे नियुक्त किया है आपका हरी हरी चराई में लेके जाने के लिए, ऐसे वचनों के पास आपको पहुंचाने के लिए, ऐसे सच्चाई की ओर आपके आंखों को खोलने के लिए। तो LKG का लेसन चाहिए, नहीं तो कॉलेज वाला लेसन चाहिए, कॉलेज LKG लेसन पढ़ेंगे हमेशा कमजोर बच्चा बन के रहेंगे। ऐसे जो BA BSc MSc ऐसा जो बड़ा पद, बड़ा पढ़ाई के और आपको आगे आना है, परमेश्वर आपको सिखा रहे हैं, आप परमेश्वर से उत्पन्न हुए हैं, हमारे अंदर परमेश्वर का बीज है, तो आप इस बातों को मानते हैं कि नहीं, आपको समझ में आ रहा है कि नहीं, समझ में आए नहीं भी आए स्वीकार करो, ये आपके जीवन में काम करेगा, जरूर आपके अंदर कार्य करेगा। हम सब खड़े हो जाएंगे, हम प्रार्थना करना है, हम परमेश्वर से जन्मा है, हर मानने के लिए नहीं है, निराश होके बैठने के लिए नहीं है, शैतान की झूठ को, बात को मानकर उसके डर के मारे भागने के लिए नहीं है, वचन को तलवार लेकर शैतान को भगाने के लिए, मैं परमेश्वर से जन्मा, परमेश्वर का बीज मुझ में है, मैं परमेश्वर से जन्मा हूँ, परमेश्वर का बीज मुझ में है, मैं पाप नहीं करता, मैं पाप कर नहीं सकता, परमेश्वर शैतान मुझे छू नहीं सकता, दुष्ट के वश में मैं नहीं हूँ, मेरा अंदर परमेश्वर बड़ा है, मेरे अंदर विश्वास है, इस विश्वास से संसार पर जय प्राप्त किया हूँ, मैं जय पाने वाला हूँ, अभी तक जय पाया हूँ, आगे भी जय पाता रहूंगा, मुझे विश्वास दिया परमेश्वर, विश्वास योग्य है, इस विश्वास का अंत तक संभालेगा, इसलिए मैं पवित्र रहूंगा, पाप नहीं करूंगा, शैतान के वश में नहीं जाऊंगा, वो मुझे छू नहीं पाएगा।